बताते हैं आज के कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक बार फिर दो सिस्टम एक्टिव होने से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की ओर से हरदा जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर और उज्जैन में भारी बारिश की चेतावनी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों में और वह अधिकांश स्थानों में व शहडोल, रीवा, चंबल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों में वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेगांव, खरगोन में 11 सेंटीमीटर, बड़वाहा 10 सेंटीमीटर, खंडवा 9 सेंटीमीटर, माडा, रावटी 8 सेंटीमीटर, करेली, हबड़ई, देवास 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सिस्टम जो है एक साइक्लिक सर्कुलेशन नॉर्थ वेस्ट एमपी में बना हुआ है और उसके आसपास है। मानसून ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के सागर से होकर गुजर रही है। अगले 24 घंटे में प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और भारी वर्षा कहीं कहीं इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, देवास, आगर, बड़वानी, रतलाम, बुरहानपुर, शाजापुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा एवं मंडला जिलों में होने की संभावना है। देवास जिले के सिविल लाइन थाना पुलिस ने चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की अगर माने तो पिछले दिनों रामनगर और वन मंडल में हुई लूट के मामले में पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच शक के आधार पर अल्फेज उर्फ राजा पापी को पकड़ा गया, जिसने पूछताछ में दोनों मामलों में अपना जुर्म कबूल किया। वहीं पुलिस को आरोपी के पास से सोने के आभूषण और बाइक बरामद हुई है। ये विगत माह और पूर्व में जो है दो चेन स्नेचिंग की घटनाएं हमारे देवास जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र घटित हुई थी। उन दोनों घटनाओं में जो है पुलिस के द्वारा आरोपी अल्फेज उर्फ राजा उर्फ पापी निवासी आनंद नगर को गिरफ्तार किया गया है और दोनों मामले में पुलिस ने जो है जो लूटा हुआ मसरूखा था उसको बरामद किया है। एक चेन, सोने की चेन, एक सोने की मंगलसूत्र और वाहन जो घटना में उपयोग किया गया था मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, उसको बरामद किया है। पुलिस के द्वारा भी उक्त आरोपी से जिले एवं अन्य जिलों की वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है और इससे उम्मीद है कि अन्य मामलों में भी खुलासा किया जा सकेगा। भोपाल में कांस्टेबल के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित कांस्टेबल लंबे वक्त तक महिला डीएसपी का ड्राइवर था, लेकिन किसी बात को लेकर डीएसपी ने कांस्टेबल का मोबाइल रख लिया। जब वही कांस्टेबल शिकायत लेकर एसपी हेडक्वार्टर पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई। एसपी हेडक्वार्टर पर रामजी श्रीवास्तव के बंगले पर उसके साथ मारपीट करना बताया जा रहा है। पीड़ित कांस्टेबल की माने तो 5 दिन पहले उसे मारा गया था। किसी को नहीं बताने की उसे धमकी भी दी गई। हालांकि आज पीड़ित कांस्टेबल ने हबीबगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। ऐसे में देखना ये होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। तो मेरे को मजबूरी में यहाँ पर ड्यूटी करने आना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जाते समय एसपी साहब ने बोला कि ठीक है तुम लाने जा के आमद दे दो। मैंने लाने जा के आमद देने से पहले अपना सामान लेने डीएसपी हेडक्वार्टर मानक मणि कुमार साहब के पास गया, जो सामान उन्होंने लौटाने से मना कर दिया। बोले तुमको सामान नहीं दिया जाएगा। बड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ा सामान दिया गया लेकिन मोबाइल नहीं दिया गया। देवास में बस स्टैंड पर एजेंटी को लेकर विवाद की स्थिति लगातार बन रही है। इसी के चलते कुछ लोगों ने शनिवार देर रात स्टैंड परिसर में खड़ी करीब 8 बसों के कांच फोड़ दिए। बताया जा रहा है कि यहां पर बसों के संचालन को लेकर एजेंटी ली और दी जाती है, जो कि विवाद का केंद्र बन चुका है। हालांकि पुलिस ने मनोज उर्फ अमित और सूरज की रिपोर्ट पर आरोपी भीम धारू, चिंटू दारू और छोटे भाई सहित अन्य साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
धारा प्रकरण दर्ज किए गए हैं, दो अलग अपराध दर्ज हुए हैं और पुलिस जो है उसमें जो है सब तैयारी कर रही है। कितने आरोपी हैं सर कुल? अभी नामदर्ज दो तीन लोगों के खिलाफ इसमें तैयार हुई है और बाकी अन्य आरोपी जो सहयोग। रविवार को भोपाल में बेटी दिवस के मौके पर महिलाओं की समस्याओं को लेकर डॉक्टर ज्योति सिंह ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। डॉक्टर ज्योति सिंह का कहना है कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोग मुक्त करना है। ज्योति सिंह की माने तो महिलाएं हमेशा अपने आप को पीछे रखती हैं, उनके लिए परिवार सबसे आगे रहता है। ऐसे में महिलाएं इस शिविर में आ सकती है और परेशानी बता सकती है जिससे उनका निवारण हो सके। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह सर्वप्रथम आपका अभिवादन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, क्योंकि आज बेटिया दिवस है तो उसके लिए भी सभी को शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। इसके बाद ये हमारा जो शिविर जो हमने निःशुल्क शिविर आयोजित किया है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम महिलाओं को रोग मुक्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई भी समस्या जो अपने परिवार में भी शेयर नहीं कर पाती, परिवारजनों से भी अपने बता नहीं पाती है, वो हमें बताएं ताकि हम उसका निवारण कर पाएँ, उनका इलाज कर पाएँ, या उन्हें किसी भी गंभीर बीमारी जो भविष्य में उनको हो सकती है उसके लक्षण हम उन्हें बता पाएँ कि लक्षण से ये बीमारी होती है, तो उस लक्षण को होते ही वो अपने चिकित्सक से परामर्श कर पाएँ। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर हिंदी न्यूज के साथ। जनता की बुलंद आवाज।